टू हमने शुरू किया था, तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आपके, और ये जहन में रखना है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वहां पे नंबर की सेट ही चेंज हो जाएगा। बेसिकली दीज आर द सेट्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन से के सेट में कौन से नंबर्स होंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स की इन्फिनिटी, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके, दिस इज कॉल्ड योर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स जो है इसमें हम इजीली वी कैन काउंट द थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, इजीली काउंट कर सकते हैं। सेकंड है, नेचुरल नंबर्स के बाद है जी, वी हैव अ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं बताएं, होल नंबर्स जीरो इसमें शामिल है, यानी कि है ये पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स भी आपके पॉजिटिव है बट जीरो इंक्लूडेड, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। होल नंबर्स में भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, जिसे हमें रखना है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल W, और इसका जो है वो N, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो कौन सा सेट आ रहा है हमारे पास, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है, क्या होता है इंटीजर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, इसमें जीरो भी शामिल है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हो गया पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स में क्या आ गया, जीरो इंक्लूड करके फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स में आ गया ऑल नेगेटिव, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ओके। सो इट्स गोना बी लाइक माइनस इन्फिनिटी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, आप यहाँ पे यूं कर लो -4, -3, -2, -1, 0 एंड इट्स गोना बी लाइक 1, 2, 3 एंड 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है जी, इंटीजर्स में। अच्छा, अब गौर करें तो कौन सा सेट बड़ा हुआ, इंटीजर्स। सो फार हमने तीन सेट किए हैं, इसका मतलब इंटीजर सबसे बड़ा सेट है, क्यों, इसमें सारे आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर होल नंबर भी आ रहा है और इंटीजर्स इटसेल्फ जो है वो बड़ा सेट है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स के बाद जो है वो आता है रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स के बाद क्या आता है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, क्या होता है रैशनल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, पी एंड क्यू, पी और क्यू फॉर्म। यस, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन पी ओवर क्यू फॉर्म। अच्छा, पी ओवर क्यू फॉर्म को हम, अगर मैं आपको एक पी ओवर क्यू फॉर्म का नंबर दूं, क्या आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है, जैसे मैं अगर कहता हूँ 1/2, ये क्या है, इज दिस अ रैशनल नंबर? यस, क्योंकि 1/1 जो है इधर p है और 2 जो है वो q है, ठीक है, तो p ओवर q इट्स अ रैशनल नंबर। लेकिन मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, डेसिमल आ जाएगा, 10, 0 नीचे आएगा, 2, 5, 10 ऑल यू नो दैट, ओके, तो क्या आया मेरे पास डेसिमल में आंसर, 0.5। इसका मतलब 0.5 भी रैशनल नंबर है, 0.5 भी रैशनल नंबर हुआ ना, क्योंकि मैं इसको पी ओवर क्यू में लेके जा सकता हूँ, पी ओवर क्यू से ही तो मैं इसको लेके आया हूँ डेसिमल फॉर्म में। सो ऑल द डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, एम आई राइट? रैशनल नंबर्स कौन सा होता है, which we can write in p over q, so all the decimal numbers are gonna be rational numbers, am I right? Yes. You are saying yes. No. It's not so. ठीक है? Okay. क्योंकि सारे नंबर जो है वो p over q फॉर्म में नहीं आ सकते। अच्छा, basically अब हम देखते हैं कि हमारे पास decimal numbers कितनी किस्मों के होते हैं, decimal numbers कितनी किस्मों के होते हैं, ठीक है, then we will come to conclude के हमारे पास हर नंबर जो है decimal वो रैशनल हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, क्या होगा जी, जैसे 0.5 आ गया, पहले मैं पी ओवर क्यू से डेसिमल में आया था, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास डेसिमल के नंबर्स कितनी किस्म के हैं, उनको मैं पी ओवर क्यू फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करता हूँ,
आपके अगले एक्सरसाइज में ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मिलते जुलते, ठीक है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं रैशनल नंबर्स को समझाने के लिए आपको ये सारे हम वन बाय वन जो है वो सारे मेथड्स को फॉलो करते हैं। अच्छा 0.1 0.5 तो हमने देख लिया, एक ये आंसर था। लेट्स से हमारे पास एक आंसर ये भी हो सकता है 0.25, ठीक है, 0.25 भी हो सकता है, 0.625 भी हो सकता है हमारे पास डेसिमल, ठीक है। अच्छा फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ रिकरिंग होते हैं डेसिमल्स, यानी कि वन डिजिट रिकरिंग हो रहा होता है बार बार, ठीक है। जैसे 0.3 इसको हम ऐसे शो करते हैं 0.3 बार। अच्छा इसका क्या मतलब होगा, दैट इज इक्वल टू 0.33333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, जिसमें वन डिजिट जो है वो रिकरिंग कर रहा है बार बार आ रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ डेसिमल इस तरह के भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे 25 25 25 के ऊपर मैं बार डाल देता हूँ, ठीक है, यानी कि 25 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। ये बार का मतलब है कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, 0.25 25 25 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं मेरे पास, जैसे 2.25 बार, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या, इसका क्या मतलब होगा, 2.2555 ये भी रिकरिंग है, ठीक है, डेसिमल एक बड़ा भी हो सकता है। अच्छा ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रिकर नहीं हो रहा, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, खत्म हो गया आंसर, पूरे का पूरा आ गया, पूरी की पूरी डिवीजन आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिकरिंग है, ठीक है। इसमें हमारा ये भी आ सकता है, जैसे 2.25 ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो गया 2.25। क्या ये सारे जितने मैंने लिखे हैं इसी तरह ये 2.25 डबल रिकरिंग भी हो सकता है, बार बार 2.25 2.25 2.5 2.5 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैंने सारे डेसिमल्स लिख दिए, क्या मैंने सारे डेसिमल्स लिख दिए, नहीं, एक डेसिमल है, ठीक है। वो डेसिमल ये होता है कि देखें इसमें सेम एक पैटर्न रिकर हो रहा है, ठीक है, या सिंगल डिजिट जैसे 3 बार बार रिकरिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, डबल डिजिट बार बार आ रहा है, ये 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा 2 के बाद ये वाला सिंगल डिजिट भी बार बार आ सकता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, जो है और इधर होल नंबर भी है हमारे पास, कोई भी पैटर्न हो सकता है इनमें से। फिर ये कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये जितनी भी मैंने फॉर्म्स लिखी हैं इन सब को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लेके आ सकते हैं, एक फॉर्म ऐसी है जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है, एंड दैट इज योर इरेशनल नंबर। वो कौन सा है पैटर्न, कौन सा पैटर्न, इरेशनल नंबर, P over Q में नहीं आ सकता। वो कौन सा पैटर्न हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन कोई पैटर्न नहीं होगा उसमें। अच्छा एक नंबर ऐसा रह गया है जिसमें जो पैटर्न भी नहीं रिपीट होगा, यानी कि रैंडम डिजिट होगा हर नया आने वाला नंबर, ठीक है, रैंडम होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो इरेशनल का, क्योंकि उसको मैं पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। इस ये सारी एग्जाम्पल जो है इसको आप ये नोट कर लें, ठीक है, वन बाय वन लेते हैं, ठीक है, और इसका जो है इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लेके आते हैं। अच्छा पहला नंबर क्या था जी, 0.5, ये तो हम ये तो आपने पिछली क्लासों में सीखा हुआ है कि डेसिमल को हम उसमें जो है वो डिवीजन फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, आगे जितने भी डेसिमल के बाद नंबर्स होंगे उनके नीचे 0 आ जाएगा, सो योर डेसिमल इज फिनिश्ड 5/10, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इजीयर क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व सो फार, 5/10, ठीक है, 0.5 divided by 10, ओके, डेसिमल के नीचे 1 आया, 5 के नीचे 0 आया, ठीक है, और 5/10 आ गया हमारे पास, और 5/10 जो है वो कट जाएगा 1/2, और हमने आपको याद होगा हमने डिवीजन में 1/2 से ही डिवीजन देनी शुरू की थी, आ गया पी ओवर क्यू फॉर्म में। ये जितने भी आपके टर्मिनेटिंग जो है ना जितने भी, वो इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे इजीली, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्या था, 0.5 से आगे कौन सा है, 0.25, यू कैन सॉल्व इट इजीली,
इसको भी हम इसी तरह एक वन, ये डेसिमल खत्म हुआ, टू के नीचे भी जीरो, फाइव के नीचे भी जीरो, 25/100, 25 ones are 4, 1/4, इधर ओके 1/4, ठीक है जी। ये भी और क्यू फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ओके क्विकली 0.625 इजियर, वन डेसिमल के नीचे आ गया, 0.00 3 10 0, 625 डिवाइडेड बाय 1000 काट सकते हैं, दोनों फाइव के टेबल्स में जाते हैं, यस 5 ones are 5 2 200, सो अगेन वी आर कटिंग इट विद द 5, इट्स गोना बी 40, 5 5 are 25 5 8, सो 5 by 8 इज द, वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, ठीक है। तो 5 by 8 आ गया पी ओवर क्यू फॉर्म, ठीक है ओके। ये भी हमें इसको भी ले आए 6.625 को भी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कौन सा है, 2.25 इजी, अगेन 100 ओके, सो 225 डिवाइडेड बाय 100, सो 5 टू द 5 4s आर 20 ओके यस 9/4, सो 9/4 इफ यू डिवाइड दिस 9/4 तो अगेन हमारे पास यही डेसिमल में आ जाएगा 2.25 ओके, सो 2.25 भी आपका पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया ओके, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है जी ओके। नेक्स्ट वन बताएं जल्दी से क्विकली, मेरे ख्याल में रिकरिंग है ना, रिकरिंग वाला बताएं 0.333 ओके, तीन नंबर लेते हैं आगे, लेट्स सी इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, इसका एक तरीका है ओके, इसको हम क्या करते हैं एक्स के बराबर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर ओके, मुझे डेसिमल को यहां से उठा के यहां पे लेके जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, यस 10 से, शाबाश 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डेसिमल मूव होगा। इक्वालिटी का रूल होता है कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन साइड पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि इक्वालिटी का रूल जो है वो मेंटेन रहे, इक्वालिटी मेंटेन रहे। सो 10x इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 10 को इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.33 सोन ओके, ठीक है। एक्स किसके बराबर है, 0.333 के, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक्स को माइनस कर दूं इन दोनों साइड्स पे, ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एक्स को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.33 माइनस 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस है यहां से, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3.333 माइनस एक्स माइनस किया तो ये, और इधर वाली साइड पे अगर मैं 10x करूंगा तो 10x माइनस एक्स आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x आ जाएगा आपके, ठीक है। और इधर क्या आएगा, जब आप इसमें से 0.333 माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे ना तीनों, और 3 बचेगा खाली, ठीक है ओके। आई रिसीव्ड क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं काटता हूँ, 3 1 3 एंड 3 3 9, तो x इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/3 को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लें तो इसका आंसर आएगा 0.333333, ठीक है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर क्योंकि मैं इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्या था जी, 0.25 बार ओके, इट मींस 0.25 25 25 अप टू इन्फिनिटी 25 25 25 25 25 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल मुझे 2 के इधर नहीं लाना। अच्छा पहले मैं सबसे पहले लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.25 25 25 दिस नंबर, इसको मैंने एक्स के बराबर अज्यूम कर दिया, ठीक है। अब मुझे डेसिमल कहाँ पे चाहिए, मुझे डेसिमल जहाँ पे पैटर्न खत्म हो रहा है और वहां से जहां से शुरू हो रहा है मुझे वहां पे चाहिए डेसिमल, दैट मींस आई नीड डेसिमल टू बी मूव्ड ओवर हियर, ठीक है, यहां पे चाहिए मुझे, ठीक है 25 यहां पे डेसिमल चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे भी मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दैट, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया मुझे डेसिमल यहां पे चाहिए, ठीक है, जहां से नया पैटर्न शुरू हो रहा है,
ठीक है, वहां पे चाहिए। पिछले वाले में 333 था, तो इसका मतलब मुझे अगले जहां से पैटर्न तो अगले नंबर से शुरू हो रहा था ना, अगले डिजिट से शुरू हो रहा है। 100 से करेंगे जी, शाबाश, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी नीड टू मूव द डेसिमल टू डिजिट्स अवे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2, क्योंकि डेसिमल को टू प्लेसेस अवे मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा मेरे पास 25.25252 एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर मैं इधर से x माइनस करूं दोनों साइडों से 100x माइनस x एंड दैट इज गोना गिव मी, ये क्योंकि 0.2525 है, 0. इसमें से माइनस करूंगा तो ऑफ कोर्स मेरे पास खाली 25 बचेगा। Am I right? Understood? 25 बचेगा क्योंकि 0.2525 तो ये वाला 0.2525 उससे कट जाएगा, 25 खाली बच जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इधर क्या है मेरे पास 99x, तो अगर मैं x को इधर रखूं x इज इक्वल टू 25/99। जी करें जरा इसको कैलकुलेटर पे, 25/99। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो 2.25 वाला, बाकी होपफुली आपको ये सारे समझ में आ गए। इसको भी मैंने p ओवर q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नेचुरल नंबर्स का बता रहा हूँ, हमने सारों को कन्वर्ट करके देख लिया, सिर्फ एक रह गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप ये देखो 2.25 के ऊपर ये बार था, क्या बनेगा ये 2.25555 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, 5 पे 12 तो 5 जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका क्या था ये, इसके बाद जो है हमने क्या, हमने इसको यहाँ पे लेके आना डेसिमल। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना डेसिमल, हाँ डेसिमल को लेके आना। तो लेट पहले इसको लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 2.2555 थ्री टाइम्स लिख के इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा 10x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास 22.55। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास 10x आ गया। ओके, अब एक और काम मैं करता हूँ, इस डेसिमल को एक और आगे लेके जाता हूँ, डेसिमल को एक और आगे लेके जाता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक आगे लेके जाना ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक प्लेस आगे लेके जाना, तो 10 को 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 100x, फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे पास ये, अब क्या आएगा 225.555। ठीक है, ओके गॉट इट। अब बजाय इसके कि मैं x को पे एक्सपेरिमेंट करूं, मैं 100x में से 10x माइनस कर देता हूं। देखो अब x को भूल जाओ, 10x किसके बराबर है 22.55555, 100x किसके बराबर है 225.55555। अब 100x में से मैं 10x को माइनस करता हूं, x को भूल गए, ठीक है, क्योंकि 10x किसके बराबर है 22.555। ओके, 100x माइनस 10x, इधर भी 10x 10x ये है। ठीक है, इधर से ये माइनस करूंगा तो यहां पे देखो माइनस 22.555, यही है ना, यही है ना 10x, तो ये 555 इसकी कट जाएंगे सारे, तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो 225 में से 22 माइनस करो क्या आता है, 225 में से 22 माइनस करो 203 आ गया मेरे पास, इधर होल नंबर आ गया मेरे पास 203, इधर क्या आएगा मेरे पास 100x माइनस 10x 90x इज इक्वल टू 203, तो 90 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 203/90। अच्छा जरा करो जरा डिवाइड इसको, 203/90 2.255556 और 6 भी आ गया, 6 को राउंड कर दिया उसने, इसको भी हम पी ओवर क्यू में कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक एग्जांपल रह गई है, वो कन्वर्ट पी ओवर क्यू में नहीं हो सकती, देखें मैं आपको बताता हूँ, नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, हर नया डिजिट रैंडम है। जैसे अगर मैं कहूँ फर्ज करें 3.14739682 4, 5, अब मुझे बताओ मैंने ये डेसिमल किधर लेके जाना है, पहले तो मैं पैटर्न को देख रहा था ना कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वहां तक मुझे लेके जाना है, तो इधर तो कोई पैटर्न ही नहीं रिपीट हो रहा, ठीक है, दैट मींस, और ये नॉन रिकरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है,
तो क्या पैटर्न भी नहीं रिपीट हो रहा, तो क्या मैं इसको पी ओवर क्यू में ला सकता हूँ? ठीक है जी, ओके, सो इरेशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। तो रिकरिंग कौन सा होगा, कौन सा होगा? अगर टर्मिनेटिंग है तो वो भी रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रिकरिंग हो रहा है लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो भी रैशनल नंबर है। तो कौन सा फिर इरेशनल हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसमें कोई पैटर्न ना फॉलो हो रहा, तो वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल आपके जो है नॉर्मली वो क्या होते हैं, वो स्क्वेयर रूट्स में होते हैं, टू का स्क्वेयर रूट, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे आप देख लो, टू का स्क्वेयर रूट जो है वो आपका एक ऐसा नंबर आएगा कि जिसमें डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो टू का आया स्क्वेयर रूट, देखा आपने कैलकुलेटर में, ठीक है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह थ्री का अंडर रूट, फाइव का अंडर रूट, ठीक है, सेवन का अंडर रूट, इवन सिक्स का अंडर रूट, मैंने मिस कर दिया, एट का अंडर रूट, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब नाइन का अंडर रूट क्या होगा? ये भी इरेशनल नंबर होगा ना, ठीक है। नाइन का अंडर रूट इरेशनल नहीं है, नाइन का अंडर रूट रैशनल है। कैसे? क्योंकि थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री स्क्वेयर, स्क्वेयर इसे कट गया तो थ्री आ गया, सो थ्री को मैं लिख सकता हूँ थ्री बाय वन पी ओवर क्यू फॉर्म में, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल नंबर, ओके। हाँ, थ्री तो थ्री बाय वन भी थ्री के बराबर है बेटा, थ्री बाय वन थ्री के बराबर है, ठीक है। हर नंबर के नीचे एक होता है डिनोमिनेटर होता है वन का, अगर ना हो तो वन का होता है, ठीक है। सो दिस इज योर रैशनल नंबर, ठीक है। तो टेन जो है वो भी आपका इरेशनल होगा, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सिक्सटीन क्या होगा? सिक्सटीन रैशनल है, बाकी सारे इरेशनल है, ठीक है। और सेवनटीन इरेशनल, एटीन इरेशनल, नाइनटीन इरेशनल, ट्वेंटी फाइव तक, ट्वेंटी फोर तक सारे इरेशनल, ट्वेंटी फाइव जो है वो आपका फाइव बाई फाइव वो आपका रैशनल बन जाता है। मुझे बुक्स दें, आपका आपका ये कौन टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स।